अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम फ्लैट कॉलर वाला गला बनाएंगे। फ्लैट कॉलर वाला पूरा तरीका जानने के लिए हमारी वीडियो पूरी देखें। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इसके बाजू कट करने हैं, आर्म होल जो है वो कट करना है हमने। इधर से हमने 14 इंच, नीचे के वाली साइड पर हमने तकरीबन 9 इंच निशान लगाया। इसको यहाँ से हमने गोल किया। जो के हमने बाजू कट कर लिए, इधर से भी हमने थोड़ा सा रेप कर लेना है इसको, तकरीबन 1 इंच। इसको खोल लेना है। इसके साथ हमने कंट्रास्ट ये कपड़ा करना है। इसकी हमने पट्टी लगानी है और इसका ही हमने फ्लैट कॉलर लगाना है। फ्लैट कॉलर देखने में जितना मुश्किल लगता है उतना ही इजी है और बहुत प्यारा भी लगता है। इस कपड़े के साथ हमने कंट्रास्ट फ्लैट कॉलर को बनाना है। सबसे पहले हमने क्या करना है, चेपी लेनी है हमने। ये चेपी के पीस होते हैं, इसको फेंका ना करे, ये यूज हो जाते हैं। जिस तरह ये मैंने पहले एक गला बनाया था तो ये देखें पड़े हुए हैं, तो उसको मैंने यहां से कट कर लिया। ये पट्टी पे लगाने के लिए इधर से इसको एक साइड को हमने इधर वाली साइड पे तय लगा के रख दिया। इधर वाली साइड से हमने तकरीबन हमने 4 इंच कट करना है। वैसे तो हमारा गला जो है 3.5 इंच होता है, क्योंकि आपने कॉलर अंदर वाली साइड पे लगाना है तो 4 इंच हमने कट करना है। 4 इंच कट किया और नीचे वाली साइड पे भी हमने तकरीबन 4 इंच ही कट कर लिया। इसको हमने गुलाई शेप में कट कर लेना है। ये हमने कट कर लिया। अब ये वाली जो हमने पट्टी नीचे वाली साइड पे लगानी है, इस पे हमने करना है, ये कपड़े के साथ हमने चिपकानी है और इधर वाली साइड पे हमने निशान लगा लेना है, सेंटर बिल्कुल कर लेना है। उसके बाद हमने मगजी के लिए निशान लगा लेना है। अब इसको हमने इसके ऊपर इस तरीके साथ लगा लेना है, इस तरह। कुछ नहीं करना, इसी तरह हमने इस तरीके साथ इसको चिपका लेना है। ये जो हमारे पास साफ कपड़ा है इसको हमने ये कन्ने उतार लेनी है हमने। इसको हमने नीचे वाली साइड पे रखा है। इसको ये जो मैंने निशान लगाया है इसके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। कुछ नहीं करना, सिलाई लगा देनी है आपने। दोनों साइड पे हमने सिलाई लगा ली। अब हमने बिल्कुल सेंटर से इसको कट करना है। कुछ नहीं करना, सेंटर से इसको कट कर लेना है। यहां तक और बिल्कुल कॉर्नर तक, यहां तक। अब इसको हमने सीधा कर लेना है मगजी को, इस तरह फोल्ड करके, इस तरह। यहां हमने कॉर्नर पे इसके ऊपर वाली साइड पे सिलाई लगानी है। बिल्कुल इसी तरह हमने सीधा कर लेना, कुछ नहीं करना, इस तरह फोल्ड करके इस तरह सीधा कर लेना है। इसी तरह अब हमने यहां पे सिलाई लगा लेनी है, इस तरह हमने सीधा कर लेना है। फिर इसी तरह पकड़ के सिलाई लगाते हैं। सिलाई हमने बिल्कुल सीधी करके लगा ली है, बैक साइड पे भी बिल्कुल पाई है। अब हमने गले वाली साइड को जोड़ लेना है। बैक साइड पे हमने कोई कटिंग नहीं करनी है, इसी तरह हमने यहां से लेके यहां तक सिलाई लगा लेनी। सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने यहां पे छोटे से कट लगाने हैं, यहां पे और यहां पे। अब हमने
फ्लैट कॉलर को माप लेना है कि कितना हमें चाहिए। खेच के नहीं आपने नापना है, आहिस्ता से। तकरीबन 18.5 या 19, 18.5 करते हैं। अब हमने इसको एक साइड पर रखना है। ये जो हमने गले में से कट किया था ये वाला हिस्सा, ये हमने गले में से कट किया था, इसको हमने ले लेना है इधर चेपी पे। लेंथ पहले नापनी है कि कितनी है। यहां तक पूरा आ जाएगा। आपने इसको हाफ करके चेक कर लेना है एक दफा कि हमारे जो गले की हमें दरकार है 18.5 इंच, वो हमारी लेंथ पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो उसको और खुला कर लें। हो रही है इधर, ये देख लें, इधर से नाप के यहां तक इसको इधर वाली साइड पे सीधा ले जाए। इसको हमने कट कर लेना इसी तरह। कट करके कुछ नहीं करना है इसको। अब जितना आपने फ्लैट कॉलर जो है लेना है, तकरीबन ये होता है तकरीबन 1.25 इंच, इसको इसी हिसाब से आपने निशान लगा लेना है। इधर से आपने कुछ नहीं करना कि इस तरह काटें या इस तरह करें, जिस तरह है उसी तरह आपने इसको कट कर लेना है। कॉलर कट हो गया हमारा। अब इस कपड़े पे हमने इसको लगा लेना है इस तरह करके। इसी तरह करके हमने डबल इसको हमने इस तरह करके यहां से सिलाई स्टार्ट करनी है, यहां से स्टार्ट करके यहां तक आ जाना। इस वाली साइड पे नहीं आपने लगाना। यहां से हमने सिलाई स्टार्ट करके यहां तक आ जाना है, यहां तक, और इधर से यहां तक। इधर साइड पे नहीं हमने लगानी। ये सिलाई हमने यहां तक लगा ली है। अब इसको हमने कटिंग करना है। जब भी गुलाई आए तो इसमें से बीच में से कट लगा लेते हैं ताकि हमारे कपड़े को बॉल ना पड़े। इसका सेंटर हमने गले का कर लिया, कॉलर का भी हमने सेंटर कर लेना है। अगर आप सेंटर नहीं करेंगी तो आपका गला एक साइड को जाएगा। ये सेंटर मैंने यहां से भी कर लिया और यहां से भी। आपने एक दफा माप भी लेना है कि हमारी सिलाई पे सिलाई आ रही है कि आगे पीछे है। अगर आगे पीछे है तो फिर उसके हिसाब से हमने गला अपना सेट करना है। बिल्कुल बराबर सिलाई है, कुछ नहीं करना, बराबर सिलाई है। तो इसको हमने गले को खोल लेना है, यहां पे हमने निशान लगा लेना है ताकि हमारी जो पट्टी है आगे पीछे ना जाए, बराबर के निशान लगा लिए। अब हमने चिपी वाली साइड को, चिपी वाली साइड है ना, इसका भी हमने निशान लगा लेना है इस तरह फोल्ड करके। इसी तरह हमने लगाते जाना है इस तरह। ये सिलाई हमने बंद नहीं करनी, ये इसलिए नहीं बंद करनी ताकि इधर से जब हम लगाएं तो आगे पीछे हमारा अगर गला थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो कोई मसला नहीं, कट हो जाएगा। ये इधर से हमने सिलाई को बिल्कुल लगाना स्टार्ट कर देना है। आधी सिलाई मैंने इधर से
और आधी सिलाई जो मैंने इधर से लगाई है, अब हमने इस गले को इधर से इस तरह बराबर करके बिल्कुल इसके मगजी के बराबर इसका निशान लगा लेना है यहाँ पे, दोनों साइड्स पे, इधर वाली साइड से भी और इधर वाली साइड पे भी इस तरह। फिर हमने सीधा करना है इसको, इधर वाली साइड पे भी हमने निशान लगा के सिलाई लगा ली, इधर वाली साइड पे भी। अब हम इसको सीधा करते हैं। सीधा करने का तरीका ये है, इसको यहाँ से कपड़े को पकड़े और फिर इसको इस तरह उल्टाए, खुद खुद ही कॉर्नर बन जाता है। इसी तरह हमने ये वाला, अब ये जो सिलाई है इसको हमने अंदर वाली साइड पे फोल्डिंग कर देना, इस तरह फोल्डिंग करके। अगर आप सिलाई लगाना चाह रहे हैं तो सिलाई लगा लें, अगर आपने गुम्मी रखनी है, सिलाई ऊपर नहीं आने देनी, तो फिर कोई मसला नहीं है, फिर इसको आप तरपाई कर लें। सारी सिलाई को अंदर करके इस तरह हमने खींच के कपड़े को तुरपाई कर लेनी है, इस तरह आपने तुरपाई कर लेनी है। बहुत ही नीट हमारा गला बन चुका है। ये कपड़ा हमने डबल लेके इसको यहाँ से सिलाई हमने लगानी है और इसको हमने नीचे वाली साइड पे रख के थोड़ा सा सिलाई लगा देनी है ताकि हमारा गला बड़ा ना हो। यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। बहुत ही प्यारा नीट गला बना है, अंदर वाली साइड से भी बहुत नीट और बाहर वाली साइड से बहुत ही प्यारा फ्लैट कॉलर जो है गला बना है, बिल्कुल कोई झोल नहीं आ रहा। इसकी यही एक नफासत होती है, कोई झोल नहीं आता। अगर ये हमारा इधर अगर बटन लगाना चाह रहे हैं तो बटन लगा लें, अगर इधर कुमकुम लगाना चाह रहे हैं तो कुमकुम लगा लें, जो आपकी मर्जी है वो लगा सकते हैं इस तरह। बटन इस तरह आप लगा सकते हैं। अगर ये हमारा तरीका आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।